हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमलेश प्रजापत मामले में अधिवक्तागण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल पर रहने वाले लोगों से हकीकत जान साक्ष्य को देखा, जनता का पुलिस के विरोध भारी रोष। कमलेश प्रजापत मामले में वीडियो वायरल होने के बाद अधिवक्तागण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल पर रहने वाले लोगों से हकीकत जान साक्ष्य को देखा। इस दौरान घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों में पुलिस के द्वारा कानूनी तरीके से एनकाउंटर किए जाने से लोगों में रोष है। अधिवक्तागण द्वारा एडवोकेट नवल किशोर लीलावत के सानिध्य में प्रजापत समाज के अधिवक्ता, जिला उपभोक्ता मंच पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, अधिवक्ता संघ पूर्व कोषाध्यक्ष भीमाराम कुमावत, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष देवीलाल कुमावत, अधिवक्ता संघ पूर्व कोषाध्यक्ष प्रेम प्रजापत, अध्यक्ष मूलाराम प्रजापत ने प्रतिनिधि मंडल बनाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान घटनास्थल रहने वाले स्वतंत्र लोगों ने बताया कि उन्होंने घटना को पारदर्शिता से देखा है। पुलिस के द्वारा कमलेश प्रजापत की हत्या की गई है तथा सबूत साक्ष्य को अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग कर नष्ट किया गया है। वो आज हकीकत बयान कर रहे हैं, उन्होंने जो देखा वो बता रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दिए हैं। वे घटनास्थल के पास रहते हैं इसलिए घटना से वाकिफ है। अब उनका पुलिस की कार्यप्रणाली पर भरोसा उठ गया है। अब जनता पुलिस के विरोध चुप्पी तोड़कर खुलकर सामने आने से नहीं डरती। जनता कभी भी पुलिस के विरोध आंदोलन कर सकती है। बाड़मेर पुलिस ने हमेशा कमजोर, गरीब, दलित, अत्याचार में राजनीति दबाव में न्याय नहीं दिया। अब सभी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अधिवक्तागण द्वारा घटनास्थल को जांच, वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई बाबत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है तथा आम जन से सहयोग की अपील की है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।